हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 21। तो आते आज के पहले क्वेश्चन पे, किस राज्य ने भारत का पहला ग्राम एटलस लॉन्च किया? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी गोवा। किस राज्य ने भारत का पहला ग्राम एटलस लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोवा ने। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पर आते हैं, किस कंपनी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किया जो सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन ऑयल। किस कंपनी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किया जो सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन ऑयल ने। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रे हाइड्रोजन पे। ग्रे हाइड्रोजन में प्रोसेस कौन सा यूज होता है? स्टीम रिफॉर्मिंग। और सोर्स क्या होता है? नेचुरल गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ग्रे हाइड्रोजन में प्रोसेस कौन सा यूज होता है? स्टीम रिफॉर्मिंग का। और सोर्स क्या होता है? नेचुरल गैस। अब आते हैं ब्लू हाइड्रोजन पे। ब्लू हाइड्रोजन में प्रोसेस जो होता है, स्टीम रिफॉर्मिंग विथ कार्बन कैप्चर। सोर्स क्या होता है? सोर्स आपका होता है नेचुरल गैस। ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या है? तो ग्रे हाइड्रोजन में प्रोसेस होता है स्टीम रिफॉर्मिंग, ब्लू हाइड्रोजन में प्रोसेस होता है स्टीम रिफॉर्मिंग विथ कार्बन कैप्चर। सोर्स दोनों में सेम ही होता है, नेचुरल गैस नेचुरल गैस। अब आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे। ग्रीन हाइड्रोजन में प्रोसेस कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। सोर्स कौन सा होता है? रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन में प्रोसेस कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। सोर्स कौन सा होता है? रिन्यूएबल एनर्जी। अब आते हैं ब्लैक हाइड्रोजन पे। ब्लैक हाइड्रोजन में प्रोसेस आपका होता है गैसिफिकेशन। ब्लैक हाइड्रोजन में प्रोसेस आपका होता है गैसिफिकेशन और सोर्स क्या होता है? कोयला, कोयल। फिर आते हैं पिंक हाइड्रोजन पे। पिंक हाइड्रोजन में क्या होता है? जो प्रोसेस होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस और सोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी। पिंक हाइड्रोजन में प्रोसेस आपका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, सोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी। फिर आते हैं येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन में क्या होता है? प्रोसेस आपका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस और सोर्स आपका होता है सोलर एनर्जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिप्ला ने किस राज्य के अस्पतालों के लिए अपनी महत्वपूर्ण दवाओं की ड्रोन आधारित डिलीवरी शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। सिप्ला ने किस राज्य के अस्पतालों के लिए अपनी महत्वपूर्ण दवाओं की ड्रोन आधारित डिलीवरी शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, टेलीग्राम का क्विज है। कौन सी टीम हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 की विजेता बनी? तो सही आंसर यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन सी टीम हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 की विजेता बनी? तो ऑप्शन सी मान लो यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हुआ कहाँ पे था? तो राउरकेला में हुआ था, उड़ीसा में। कौन से स्टेडियम में हुआ था? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और मध्य प्रदेश ने हराया किसे? चंडीगढ़ को। मध्य प्रदेश ने किसे हराया था? चंडीगढ़ को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिलिंग पर किस कंपनी को चुनौती देने के लिए विभिन्न भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप के साथ 40 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल। बिलिंग पर किस कंपनी को चुनौती देने के लिए विभिन्न भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप के साथ 40 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जून 2024 तक। सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जून 2024 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्था ने सैन्य राशन और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाजरा पर सम्मेलन आयोजित किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डीआरडीओ ने। किस संस्था ने सैन्य राशन और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाजरा पर सम्मेलन आयोजित किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डीआरडीओ ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ
कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान के साथ। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान के साथ। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। नेपाल में किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष स्पेशल टूरिज्म ईयर के रूप में मनाया जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2025 को। और दूसरे एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। 2023 FW13 क्या है? तो एस्ट्रॉयड है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के बाहर B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किस देश में किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, USA, अमेरिका में। भारत के बाहर B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA में। और आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसे बनाया किसने है, बनाया किसने है? एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नटराजन चंद्रशेखरन को। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? नटराजन चंद्रशेखरन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खबरों में देखा गया डकार घोषणा 2023 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्लाइमेट चेंज से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जलवायु परिवर्तन से। खबरों में देखा गया डकार घोषणा 2023 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो भारत और बांग्लादेश ने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्थ सी रोज बैंक फील्ड किस देश की सबसे बड़ी नई तेल और गैस पहल है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UK। नॉर्थ सी रोज बैंक फील्ड किस देश की सबसे बड़ी नई तेल और गैस पहल है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UK। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भोपाल। हाल ही में कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के लोकलाइजेशन स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भोपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नैसकॉम रिपोर्ट के अनुसार AI कौशल प्रवेश और प्रतिभा एकाग्रता में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। हाल ही में नैसकॉम रिपोर्ट के अनुसार AI कौशल प्रवेश और प्रतिभा एकाग्रता में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। इसके अलावा भारत 5वीं पोजीशन पर है किसमें? इन AI साइंटिफिक पब्लिकेशन। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। बेल्जियम स्थित कंपनी है विटो या भारत के अयोध्या में कचरे से बायोडीजल का उत्पादन करने के उद्देश्य से 2 साल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार है। कौन सी कंपनी? विटो कंपनी है। किस देश की है? बेल्जियम की है। अगले पॉइंट पे आते हैं। कैरान काजी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एलोन मस्क की स्पेस एक्स टीम में सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। बांग्लादेशी अमेरिकन है, नाम क्या है? कैरान काजी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। एस्टोनिया समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया है। कौन सा? एस्टोनिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाओं को अपनाने जिससे प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2023 द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कौन से रेलवे स्टेशन को? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या याद रखना है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हेदी कोहिन। विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2023 का विजेता कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हेदी कोहिन। इसके अलावा वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और 2023 की इसकी थीम क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और 2023 की इसकी थीम क्या है, वाटर इज लाइफ वाटर इज फूड लिव नो वन बिहाइंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है तो सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल, इस बुक के लेखक कौन है, कस्तूरी राय, कस्तूरी राय। दूसरे बुक पे आते हैं, फ्रॉम मंजूनाथ टू मंजम्मा द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ ए ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट, इसके राइटर कौन है, तो जोगती मंजम्मा लेखक है और हर्षवर्ध दोनों राइटर है, ठीक है। बुक का नाम क्या है, फ्रॉम मंजूनाथ टू मंजम्मा द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ ए ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट, कौन है राइटर, जोगती मंजम्मा और हर्षवर्ध। नेक्स्ट आते हैं, द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट एपिक, इनके राइटर कौन है, तो भरत सुंदरसेन और गौरव जोशी। द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक, इसके लेखक कौन है, भरत सुंदरसेन और गौरव जोशी। अगला जो हमारा बुक है, माई पोएम्स आर नॉट फॉर योर एड कैंपेनिंग, इसके लेखक कौन है, अनुराधा शर्मा पुजारी, और इसको ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है, अरुणी कश्यप के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस द इंटरप्रिटेटिव एंड नैरेटिव ट्रेडिशन ऑफ इंडियन थिएटर, इसके लेखक है केजी पोलोज। मेरू के लेखक कौन है, एसवी दिव्या है। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर अरूप रॉय चौधरी। नेक्स्ट आपका द कश्मीर कॉनुंड्रम द क्विस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड, इसके लेखक कौन है, जनरल निर्मल चंदेर वीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। द कश्मीर कॉनुंड्रम द क्विस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड, इसके लेखक कौन है, जनरल निर्मल चंदेर वीज। अगला जो हमारा टॉपिक है, प्लेसेस इन न्यूज, तो सबसे पहले आते हैं आदिचनल्लूर, जो कि कहाँ पर, तमिलनाडु में है, और ये न्यूज में क्यों है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदिचनल्लूर संग्रहालय की आधारशिला रखी, जिसमें 3000 साल पुरानी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएगी। अगला है आपका वायखाला रेलवे स्टेशन या बाइकुला रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। मुंबई में 169 साल पुराना बाइकुला रेलवे स्टेशन भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो अभी भी उपयोग में है, और इसे क्या मिला है, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आते हैं, अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी, तो आंसर क्या होगा, श्रीनगर में। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा कोंडागल, यह भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना के कोंडागल गांव में किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोंडागल कौन से राज्य में है, किस राज्य का गांव है, तो तेलंगाना का, और ये न्यूज में क्यों है, तो यहां पे भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं, अदानी समूह क्षेत्र में स्थानीय प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विशाखापत्तनम में एक एकीकृत डेटा सेंटर और प्रौद्योगिकी व्यवसाय पार्क विकसित कर रहा है, कौन, अदानी समूह, और कहाँ पे, तो विशाखापत्तनम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड घर सौंपा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। थोड़ा पुराना न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड घर सौंपा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जयंत विष्णु नरलिकर को। भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जयंत विष्णु नरलिकर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जेरिको मिसाइल कार्यक्रम किस देश से संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजराइल से। जेरिको मिसाइल प्रोग्राम किस देश से संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजराइल से। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लियोनेल मेसी ने। और वुमेन्स में किसने जीता है, तो वुमेन्स में जीता है सैली एन फ्रेजर प्रिंस ने, सैली एन फ्रेजर प्रिंस ने। कहाँ की है, तो जमैका की एथलेटिक्स है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में एक 45 वर्षीय महिला को फांसी दे दी है,
तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर ने। किस देश ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में एक 45 वर्षीय महिला को फांसी दे दी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में एक अस्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने AI आधारित मॉडल म्यूजिक LM बनाया है जो टेक्स्ट से मिनट लंबे संगीत टुकड़े उत्पन्न कर सकता है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि किस कंपनी ने AI बेस्ड मॉडल जिसका नाम है म्यूजिक LM बनाया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल ने। एक्स्ट्रा कैंडर फिर पे आते हैं। IIT मद्रास और किस संगठन ने पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित की है? तो IIT मद्रास और DRDO ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT मद्रास और किस संगठन ने पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित की है? तो DRDO ने, IIT मद्रास और DRDO ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने विश्व का पहला उपग्रह आधारित दो तरफा संदेश प्रणाली लॉन्च किया है? तो क्वालकॉम ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस कंपनी ने विश्व का पहला उपग्रह आधारित दो तरफा संदेश प्रणाली लॉन्च किया है? तो क्वालकॉम ने, और नाम क्या है? स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा कैंडर फिर पे आते हैं। 20 जून को बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू हो गई है? तो कहाँ पे बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर? पूर्वी चंपारण में, बिहार के। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने भारत का पहला ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, स्काई एयर ने। किस कंपनी ने भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्काई एयर ने। एक्स्ट्रा कैंड अफेयर पे आते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने लॉन्च किया? तो मेटा के साथ मिलकर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। NBRI नमो 108 क्या है जिसे CSIR NBRI द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कमल है, लोटस है। NBRI नमो 108 क्या है जिसे CSIR NBRI द्वारा विकसित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लोटस कमल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर प्राइमा ET11 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CSIR के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर प्राइमा ET11 किस संस्थान द्वारा डेवलप किया गया है? तो CSIR के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में CSIR गिवे नहीं होगा तो आपका दिया होगा CMERI दुर्गापुर, और CMERI का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR का ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया के पहले रोबोट CEO का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मीका। दुनिया के पहले रोबोट CEO का नाम क्या है? तो मीका, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के सैन्य बल ने हवाई युद्ध के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट वल्गिरी का अनावरण किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA ने। किस देश के सैन्य बल ने हवाई युद्ध के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट वल्गिरी का अनावरण किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वैसे। एक्स्ट्रा कैंडर फिर पे आते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वह किस देश से संबंधित है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE। डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वह किस देश से संबंधित है? तो UAE से है, संयुक्त अरब अमीरात से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक और एक्स्ट्रा कैंडिडेट फिर पे आते हैं। किस देश की सेलेस्टे सोलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्टे सोलो कौन से देश की है? अर्जेंटीना की है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश की सेलेस्टे सोलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो अर्जेंटीना की है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते रहे वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।